नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। रानू मंडल एक दिन में लता मंगेशकर का एक गाना गाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर मुंबई का सफर बन गई। मुंबई के सफर में पहुंची और लगातार सितारों ने लिस्ट लगा दी कि आप मेरे गाने गाइए, मेरे गाने गाइए। परंतु एक कहावत है ना कि कहीं ना कहीं एक क्लाइमेक्स बचा होता है। अब क्लाइमेक्स आया उनकी बेटी का। 10 साल बाद उनकी बेटी से उनकी मुलाकात होती है, वो ट्रोल पे भी आ जाती हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि उनकी कोई बेटी है जो 10 साल बाद उनसे मिल रही है, लोग अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स पर रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी बेटी एलिजाबेथ ने इस पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं 10 साल पहले अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर छोड़ने का कारण ये बना कि कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे। खैर, उन्होंने धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम अभी नहीं बताया है, पर यह जरूर बताया है कि उनकी धमकी के वजह से मैं माँ को छोड़ दिया। परंतु हाँ, मैं 4 बच्चों में सबसे ज़्यादा देखभाल अपनी माँ की करती थी। एक बार मेरी माँ मुझे बस स्टैंड पर मिली थी, मैंने उन्हें 200 रुपये दिए थे और उसके बाद उन्हें घर जाने को कहा था। समय समय पर अंकल के अकाउंट से, पता नहीं वो अंकल कौन है, पर उन अंकल के अकाउंट से 500 रुपये मैं अपनी माँ को भेजा करती थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मतलब तलाक। तलाक के बाद मैं छोटे से दुकान में काम करती हूँ, साथ ही 4 साल के बच्चे का पालन पोषण भी करती हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ ये बताइए। साथ ही रानू मंडल के 4 चौगुनी दुगनी किस्मत चमकने के बाद लगातार वो ट्रोल हो रही थी। ट्रोल इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाया था। लता दीदी का गाना गाने के बाद लगातार उनके फैन उनको दूसरी लता जी के नाम से जान भी रहे थे। कह रहे थे कि इंडस्ट्री को हमारी दूसरी लता दीदी मिल गई है। परंतु इस पर जिन लता दीदी की बात हो रही थी, उन लता दीदी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा, रानू मंडल ने गाना जो गाया है वाकई सराहनीय है। कोई मेरे गाने से फेमस होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु कब तक किसी और के गाने गाकर आप फेमस होंगे। उन्होंने कहा, ऐसे लोग कुछ दिन तक फेमस तो हो जाते हैं, परंतु बाद में उनका वर्चस्व अस्तित्व दोनों धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लता दीदी ने कहा, मोहम्मद रफ़ी हो या फिर कोई और सिंगर या फिर मैं खुद क्यों ना हूँ, पर कब तक मेरे गाने गाकर कोई कलाकार सितारा बन जाएगा, उनको अपना गाना भी खुद गाना चाहिए। ये थी रानू से जुड़ी नई अपडेट। आगे भी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।